हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिस पुष्पा टी गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी एस, जो कि निजी मिजैकल की लिखी हुई एक फेमस पोइम है, एक मोनोलॉग है, उसकी समरी लेकर आया हूँ। ये एक मोनोलॉग है और जो कि बाबू इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये एक डायलेक्ट है बॉम्बे का। स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। आवर डियर सिस्टर इज डिपार्चिंग फॉर फॉरन इन 2 डेज एंड वी आर मीटिंग टूडे टू विश हर बॉन वॉक। स्पीकर अब सब साथियों को और सबॉर्डिनेट्स को बताता है कि वो सब उसके फ्रेंड्स हैं, कि एक पार्टी में कि हम सब अब अपनी एक सबॉर्डिनेट को गुड बाय कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कि वो उनकी उनकी प्यारी बहन मिस पुष्पा है, जो कि एक फॉरेन कंट्री में जा रही हैं, और वो सब उसे एक हैप्पी जर्नी विश करते हैं। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा टीएस। इस लाइन में स्पीकर जो हमें याद दिलाता है, अपने उनके फ्रेंड्स को याद दिलाता है कि मिस पुष्पा कितनी ज्यादा स्वीट हैं। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस। वो कहते हैं वो एक्सटर्नल बाहर से ही मीठी नहीं है, दयालु नहीं है, बल्कि इंटरनल स्वीटनेस पर अंदर से भी दयालु है। मिस पुष्पा इज ए स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग। वो हमेशा जो है वो स्माइलिंग फेस रखती हैं। और यहाँ पे क्या है, अब स्माइलिंग एंड स्माइलिंग आपको पता है सर कि ना शी इज फीलिंग, वो हमेशा क्या है कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, हालांकि ये अनग्रामेटिक और इनएप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है कि सर मिस पुष्पा इज कमिंग फॉर वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा बहुत ऊंचे परिवार से आई हैं। हिज फादर वाज रिनोन्ड एडवोकेट इन बुलसार और सूरत। उसके फादर बुलसार और सूरत में एक बहुत ही अपना रिनोन्ड एडवोकेट थे। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। सूरत, मुझे नहीं पता कि वो किस प्लेस से थे। अब यहाँ पे हमें क्या एक तरह का फन मिलता है कि स्पीकर उस ओकेजन को भूल जाता है और वो उन दिनों के बारे में बताने लग जाता है कि जब वो सूरत में रहता। सूरत, यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विद फैमिली मेंबर्स ऑफ माय अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड। एक बार मैं सूरत में अपने अंकल के परिवार वालों के मेरे अंकल के बहुत पुराने दोस्त के परिवार वालों के साथ सूरत में रहा था। अब स्पीकर जो है वो अब हमें इंफॉर्म करता है कि सर हिज वाइफ वाज कुकिंग नाइसली। उसकी वाइफ अच्छे से खाना बनाती थी। दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुरानी बात है। तभी कोई बंदा उन्हें बताता है कि सर ये जो जगह सूरत थी, और वो अपना एक्सपीरियंस बताने तो लग गया सर सूरत का है। ये एक तरह का डिग्रेशन है जिसमें वो मिस पुष्पा के फादर के बारे में बताने लग जाता है, और वो फिर अपना जो सूरत से कनेक्शन है उसको बताता है कि सर मेरे एक अंकल था और उनकी एक वाइफ थी। ये एक तरह की टिपिकल अनप्रिपेयर्ड स्पॉन्टेनियस स्पीच है। बहुत सारे इंडियंस इसी तरह से जो प्रॉपर्टी का को क्या है उसको उसको दिखाते हैं कि सर जब वो, क्योंकि वो ऐसी स्पीच के लिए तैयार नहीं होते तो वो इस तरह से बातों से घूम जाते हैं। कमिंग बेस्ट टू मिस पुष्पा, अब हम मिस पुष्पा की दोबारा बात करते हैं। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन आल्सो एंड लेडीज आल्सो। अब इस टॉपिक के बाद में वापस मिस पुष्पा के बारे में आता है कि वो जेंट्स और लेडीज दोनों साथ बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ पे इजैकियल जो है वापस से इंडियंस की अनग्रामेटिकल स्पीच का मजाक उड़ाते हैं, जिसमें वो क्या है कि एक उनका जो सेंटीमेंटल एग्जैग्रेटेड वे उसके बारे में बताते हैं। व्हेनेवर आई आस्क हर टू डू एनीथिंग शी वाज सेइंग जस्ट ओनली नाउ आई विल डू इट। That's showing good spirit. I am also appreciating the good spirit. Miss Pushpa is never saying no. अपने subordinate की praise करते हुए speaker आगे कहते हैं कि सर वो बहुत ज्यादा good nature की हैं। उन्होंने कभी भी जो काम उन्हें दिया गया उसको ना नहीं कहा।
इसका पता चलता है कि वो गुड नेचर हैं और वो कोई भी काम करने को रेडी रहती हैं। वो एक विलिंग वर्कर हैं या जस्ट और ओनली का बड़ा ही अननेसेसरी यूज हुआ है। जो इन्होंने शब्द यूज किए हैं जस्ट और ओनली, ये अननेसेसरी यूज किए हैं। और ये जो है उन्हें उनके जो जो स्पीकर के जो इंग्लिश वर्ड्स की यूसेज का की इग्नोरेंस को शो करते हैं और से हमें लाफ्टर और फन मिलता है। व्हाटएवर आई और एनीबॉडी इज आस्किंग शी इज ऑलवेज सेइंग यस। अब ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाता है कि जब भी मैंने या किसी पर्सन ने कुछ कहा वो हमेशा, चाहे मैंने पूछा या किसी और पर्सन ने पूछा, वो हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहती थी। एंड टुडे शी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट। और आज स्पीकर और बाकी लोग वो कहता है कि सर आज वो अपने प्रोस्पेक्ट को इंप्रूव करने के लिए जा रहे हैं और हम सब यहाँ पे क्या है उनको यहाँ पे इकट्ठे हुए उनको हैप्पी जर्नी कहने के लिए। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। और अब इसके बाद में कहता है कि मेरी स्पीच तो खत्म होगी, कहते बाकी स्पीकर कहते अभी आप आइए और मिस पुष्पा इसे बाद में कोलीग्स की स्पीच के बाद समअप करेंगी। यहाँ एक मिस पुष्पा को एक सेटिस्फाइंग आइडेंटिटी के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। पोइम की शुरुआत में स्पीकर क्लैरिफाई कर देता है कि वो दूसरे देश जा रही हैं और बड़ी स्वीट इंडिविजुअल हैं। वो ये भी क्लैरिफाई करता है कि एक रिच परिवार से हैं। और फिर वो अपनी डिग्रेशन में आ जाता है। इसके बाद मिस पुष्पा के डैड और उनकी एक्टिविटी के बारे में बात करता है। पोइम की जो टोन है वो हिलेरियस है, हालांकि मॉकिंग भी है। वो उसे अपनी सिस्टर भी कहता है और उसको ये भी बताता है कि उसकी ऑफिस में रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। इस पोइम से ये भी क्लियर हो जाता है कि वो अपीयरेंस और एटीट्यूड में इंटरनल और एक्सटर्नली बहुत एक्सीलेंट है। क्लियरनेस की एब्सेंस इस पोइम में है क्योंकि पोइम इसमें इंडियन इंग्लिश के बारे में बात करता है। स्पीकर ये कहता है कि मिस पुष्पा एक वेल नोन इंडिविजुअल हैं जो कि लोगों की हेल्प करने के लिए थॉटफुल और कंटिन्यूली ईगर रहती हैं। फिर वो ये भी कहता है रेपुटेटेड फैमिली से हैं, फादर नॉन एडवोकेट हैं, उसे जगह याद नहीं आती है, वो कहता शायद बलसर या सूरत है। फिर वो अपने बारे में बात करने लग जाता है कि मैं सूरत में अपने अंकल की फ्रेंड की फैमिली से रहा था जहाँ उसकी वाइफ अच्छा खाना बनाती थी। लास्ट में वो बाकी लोगों को कहता है कि सर आप अपनी स्पीच दीजिए इनके ऑनर में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।